तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है अयोध्या के राम मंदिर से। राम मंदिर जैसे ही बना है वैसे ही भक्तों ने खाने पीने की सामग्रियों का बारिश कर दिया है। और अगर राम मंदिर के अंदर कोई भी व्यक्ति खाना खाने के लिए आते हैं तो वापस ना जा सके, इतना सामान भर चुका है। अब खबर ये आ रही है कि राम मंदिर के साथ एक गोदाम है, लेकिन वो गोदाम कहाँ है वो तो हमें नहीं पता। पर एक वीडियो निकल के आया है जिसमें बताया जा रहा है कि राम भक्तों ने बहुत सारे ट्रक भेजे हैं और इन ट्रकों में खाने पीने की सामग्री है जिसमें दाल, चावल, आटा और बहुत सारे मसाले हैं। तो आइए उनके ही मुंह से सुन लेते हैं इस बात को कि क्या का इस गोदाम में है। ये स्थान कम पड़ गया है, इस क्या? प्रकार राम भक्तों ने दान दिया है। ये स्थान कम पड़ गया है। ट्रके खड़ी हैं, ट्रके सर बोलिए, रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ट्रके खड़ी हैं, पूरा गोदाम भरा हुआ है, रखने की जगह नहीं है। 500 ट्रक सब्जी, तेल, घी, चीनी, मसाले, सब पूरा जो है। सर हम लोग, मैं समझता हूँ सर कि इस जीवन में इससे बड़ा सौभाग्य नहीं हो सकता। तीर्थ क्षेत्र 40 भंडारा चला रहा है, बाकी अन्य भक्त लोग चला ही रहे हैं, लेकिन जो सामग्री पूरे देश से आ रहा है राम भक्तों की, उसके द्वारा जो है गोदाम में रखने की जगह नहीं है, बाहर ट्रकों पर खड़ा हुआ है। सर एक मैं केवल एक बार ऐसे घुमा रहा हूँ कैमरे को, कि बड़ा ही अद्भुत लग रहा है यहाँ पे। ये समर्पण लोगों का, ये भक्ति लोगों की प्रभु राम के प्रति।